नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मरीना इन, मेरा सवाल है, मैं हूँ विपुल सिंह। और आज के बाजार की बात करें तो मजबूती इस समय जो है देखने को मिल रही है। खास तौर से अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें 53-54 अंकों की मजबूती इस समय निफ्टी में, 22,696 का स्तर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आप सबसे पहले क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बातचीत करें। उससे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री फिनमॉट के फाउंडर अरुण मंत्री सर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बाज़ार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। नित नई ऊंचाइयां छूता हुआ बाज़ार दिखाई दे रहा है, डर भी लग रहा है, घबराहट भी हो रही है और लोगों का रुझान जो है वो अभी भी सकारात्मक बना हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं बुल्स और बियर के बीच में थोड़ी लड़ाई चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है अभी कभी बुल्स के फेवर में जा रहा है, कभी बियर के फेवर में। अभी 1306 शेयर NSE पर ऐसे हैं जो कि मजबूती से कामकाज कर रहे हैं, वहीं 1099 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं अभी बाज़ार को आप? मैं थोड़ा कॉशियस हूँ मार्केट के रिलेटेड। अगर आप इस लेवल के आसपास बात करें तो मार्केट में मैं बेटर है, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में के ट्रेडर है तो बेटर है एक बार का आप साइडलाइंस पर है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में या स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना चाहते हैं तो एक बेटर मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर अगर आप लॉन्ग साइड करना चाहें, इसलिए मुझे लग रहा है एक छोटा करेक्शन मार्केट में आ सकता है। 22,500 22,400 वापस अगर ये लेवल के आसपास आता है तो एक बार मार्केट आपको हल्का होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन ड्यू है मार्केट में। हो सकता है 200-300 पॉइंट का करेक्शन आपको देखने को मिले। एक ही एक्सेप्शन है टेक्निकल्स की, जहां तक बात करें 22,800 के ऊपर निकलेगा तभी मार्केट एक बुलिश जोन में वापस जाता हुआ नजर आएगा। इसलिए मुझे लग रहा है हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आए मार्केट में और वापस मार्केट धीरे धीरे एक बार 22,500 22,450 तक आता हुआ नजर आए। वहां पे आता है तो वहां पे एक लॉन्ग ट्रेड आपको मार्केट में बनाना चाहिए। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है क्योंकि ज्यादा ओवरहीटेड है, स्टॉप लॉसेस काफी दूर है, तो बेटर है एक बार का मार्केट में साइडलाइंस रहे, जो स्टॉक्स आपके पास है उनको होल्ड करें। मार्केट में करेक्शन आता है तो वहां पे ऐड ऑन करके चल सकते हैं। मार्केट में करेक्शन आए तो उसे ऐड ऑन करके चल सकते हैं। अभी थोड़ा सा एक सतर्क रहने की, एक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बाजार में काफी चल चुका है बाजार, तो एक करेक्शन, छोटा करेक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसमें 100-200 पॉइंट मानना ये है अरुण सर का कि आ सकते हैं नीचे निफ्टी, 22,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। चलिए आज के पहले दर्शक का को रूबरू कराते हैं आपसे, वो हैं ध्रुवा हलदार साहब, जिन्होंने कार्यक्रम शुरू होने से काफ़ी पहले ही जो है अपना सवाल पूछ लिया है और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सवाल पूछे हुए हैं। कह रहे हैं कोलकाता से हैं ये, कह रहे हैं राधे राधे विपुल सर। राधे राधे आपको भी सर। कह रहे हैं कि मैंने NHPC के शेयर ले रखे हैं 91.50 रुपये के भाव पे और IRFC ले रखे हैं 133 रुपये पे, क्या मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करूं, प्लीज़ सजेस्ट। ध्रुव हलदार कोलकाता से। ये दोनों ही शेयर ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है महीने डेढ़ महीने दो महीने तो हो गए होंगे सर कि हम लोग जब भी आपसे मिलते हैं इस पर बातचीत करते हैं, लेकिन फिर है, लेकिन क्या ही करें क्योंकि सवाल सबसे ज़्यादा इस पर आते हैं, थंब भी हमको इसी पे लगाना पड़ रहा है और उसको भी लोग जो शाम को हम शो अपलोड करते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में देख रहे हैं, तो आपकी राय जानना चाहेंगे। 91.50 पे लिए हुए हैं, उसी के आसपास अभी चलता हुआ, और IRFC 133 पे लेकर रखे हुए हैं। देखिए विपुल जी, NHPC मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। लास्ट दो बार भी हमारी बात हुई थी, पावर स्टॉक्स मुझे लग रहा है अप्रैल में अच्छा करेंगे। NHPC डेफिनेटली थर्मल पावर में है, पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 88 रुपीज का, थोड़ा दूर है आपकी बाइंग प्राइस से, 3 रुपए दूर है, पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करें। ट्रेड आपने अच्छा लिया इसलिए एग्जिट की राय नहीं है। 98 से 100 मुझे लग रहा है इस अप्रैल सीरीज में ही आपको आता हुआ नजर आएगा, अप्रैल मंथ में आपको आ सकता है, तो 100 के टारगेट के लिए होल्ड करें, 88 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगेन IRFC भी मैंने कहा, पहले भी कहा विपुल जी, रेलवे स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे, नो डाउट लास्ट दो दिन से थोड़े साइडवेज है, पर अगेन मूवमेंट मुझे लग रहा है रेलवे स्टॉक्स में आना चाहिए। 141 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, 162-164 तक मुझे लग रहा है IRFC भी जाता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो ये राय आपकी IRFC और NHPC, इन दो PSU शेयरों पे निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक जो हैं हमारी वो हैं मनीषा खीचर जी। दो सवाल आपने भेजे हैं मैम, आज जरा पहले एक पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। HDFC बैंक के ऊपर इन्होंने कहा है कि इनके पास 30 शेयर हैं 1434 के भाव पर और जानना ये चाह रही हैं क्या मुझे मुनाफा बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए। 1434 पे लिए हैं, 1529 का भाव है, करीब 1000 रुपये, माफ कीजिएगा, 100 रुपये, 104 रुपये के आसपास इनको पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। यहाँ पर मुनाफा बुक करना चाहिए सर या अभी होल्ड करना चाहिए, आज आधे परसेंट नीचे। विपुल जी, अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें। एक बार वापस करेक्शन आता है 1500 के नीचे या 1480 के पास तो फिर एड ऑन या फिर एंट्री कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या फिर थोड़ा लंबा नजरिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20-40 रुपए का करेक्शन
आता जाता रहेगा स्टॉक में, तो वो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है प्योरली, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें, 1480 आता है तो वापस री एंटर करें। स्टॉक साइडवेज है और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसीलिए अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो बुक करें, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो नीचे में आप एड ऑन करके भी चल सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ शैलेन जी जुड़ चुके हैं सवाल पूछने के लिए। शैलेन जी को नमस्कार। शैलेन जी नमस्कार। शैलेन सक्सेना दिस साइड, मेरे पास BRN के 753 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 77। अच्छा, कहाँ? पहले डॉक्टर रवि ने राय दी थी जी कि वो बढ़ेगा, बट अप टिल नाउ वी डिड नॉट गेट एनीथिंग, तो प्लीज हेल्प अस। कितने कितने समय पहले आपने लिया था सर ये? ये हो गया करीब 6 मंथ अप्रोक्स, 6 महीने के आसपास पे लिया था। एवरेज करके ये 77 पे आ गया। अच्छा, एवरेज करके आप 77 पे लेकर के आए हैं, और अभी भी ये नीचे जा रहा है। 65 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है जी। दबाव यहाँ पर काफी अच्छा खासा। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? शैलेन जी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। अच्छा, ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हैं। चलिए, कभी आइए हमारे ऑफिस, ज्यादा दूरी नहीं है वहाँ से, तो आपका स्वागत करते हैं। आई एम एडवोकेट एंड देन डेफिनेटली आई विल बी विजिट टू योर ऑफिस, नो इश्यू। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, BRNL के शेयर आपने लिए हुए हैं, 70 का एवरेज आप लेकर के आए हैं। पिछले एक महीने में 6% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 63% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। सर, इन्होंने थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ है, 91 में पहली खरीद की, एवरेज कर करके 77 पे लाए। निश्चित रूप से एक तरफा रैली के बाद अब शेयर में थोड़ा करेक्शन मोड देखने को मिल रहा है। अब ये फिलहाल नुकसान में है 10-12 रुपए के। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी BRNL को लेकर के, भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड? विपुल जी, फर्स्टली तो ये स्टॉक यूजुअली हमारे रेडार पे नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी अनइवन है। अभी भी आप देखें तो लोअर सर्किट्स अपर सर्किट्स का क्लियरली रुझान स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की राय स्टॉक पे देते नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हैं एक वॉलेटाइल मूव स्टॉक में हमेशा से देखने को मिला है। नो डाउट थोड़ा स्टॉक चल चुका था और वहां से थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो टेक्निकल लेवल्स पर जरूर मैं इनकी हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि इनकी स्टॉक बाइंग प्राइस जो 77 के आसपास है, जो मैंने सुना इन्होंने 90 के ऊपर बाय किया और धीरे धीरे जो एवरेजिंग आई वो 77 के आसपास आई है। तो स्टॉप लॉस मैं जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, पर स्टॉप लॉस लगाना है तो 60 के नीचे जरूर लगा कर रखें। 60 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज है, कोई बुलिश स्ट्रक्चर नहीं है, साइडवेज अभी भी नजर आ रहा है। पर ये स्टॉक 70-72 निकलेगा तो ही बड़ा मूव आपको आता हुआ नजर आएगा, तो टेक्निकली 72 के आसपास का रेजिस्टेंस है और 60 का सपोर्ट है, तो इसी के बीच में स्टॉक फिलहाल नजर आ रहा है। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, 60 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 60 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। अगर इस स्टॉक 72 के ऊपर निकलेगा तो इनके 22 प्राइस एमबीएस के ऊपर भी जा सकता है, तो ये दोनों लेवल्स जरूर नोट करके रखें, ये दोनों लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टॉक के। चलिए, ये दोनों लेवल को आपको ध्यान में रखना होगा और इसी हिसाब से आपको आगे की रणनीति जो है वो बनानी चाहिए। चलिए, इस बीच अगला सवाल भावेश जोशी जी का है, और ये कह रहे हैं, विपुल सर, अरुण मंत्री सर, नमस्ते। नमस्ते आपको भी सर। कह रहे हैं सर, बहुत हेल्प मिलती है आपके चैनल से, बहुत बहुत शुक्रिया भावेश भाई ये बताने के लिए। और कह रहे हैं, वेदांता के ऊपर इन्होंने शेयर लिया हुआ है, 70 रुपये पे लिया हुआ है। कह रहे हैं, कहाँ तक जाएगा वेदांता? हालांकि इसका इनका अगला सवाल IRFC पे है, तो सर अभी IRFC पे हमने बातचीत की है, तो आप वहाँ से उत्तर ढूंढ लीजिएगा, आपको सलाह मिल जाएगी। वेदांता आज हम बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कशन में लेकर के आ रहे हैं, और बजिंग स्टॉक्स का जो सेगमेंट हम अलग से लगाते हैं, कोशिश ये रहेगी कि उस पर हम थंब भी लगाएं। वेदांता में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, खबर आपको हमारे जो अगला सेगमेंट होगा उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बार राय ले लेते हैं, आज 9% से ज़्यादा की तेज़ी, शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत लोग परेशान थे सर कि शेयर में डिविडेंड मिलता है लेकिन शेयर नहीं चलता है। अब इन्होंने जो है 220 पे लिया हुआ है, 70 शेयर इनके पास हैं, और अभी जो है 369 के आसपास का भाव आ गया है। काफ़ी शानदार मुनाफे में हैं इस समय भावेश भाई। भावेश जी के लिए आपकी राय क्या होगी, और खबर जो है, भावेश जी आप कार्यक्रम में बने रहिए, जो सकारात्मक खबरें हैं वो हम आपको बताएंगे बजिंग स्टॉक सेगमेंट में। बिल्कुल जी, क्लियरली एक डिस्क्लेमर है, स्टॉक हमने हमारी नेगेटिव लिस्ट में डाला था, क्योंकि ये स्टॉक में काफी खबरें थी, डेट के इश्यूज भी काफी थे। नो डाउट वहां से स्टॉक ने एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया और काफी बड़े अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। तो एज अ हाउस व्यू करें या एज मेरा पर्सनल व्यू करें, मैंने हमारा ये स्टॉक डेफिनेटली मिस रहा है। टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है, आज भी 10% की तेजी है। जैसा कि आपने कहा, 2 से 3 पॉजिटिव न्यूज है। एक न्यूज उसमें से ये है कि CLSA ने इसका टारगेट काफी ऊपर की तरफ किया है, ऑलमोस्ट 100 रुपए के ऊपर इसका टारगेट बढ़ाया है, तो उसी का रुझान आज भी आपको देखने को मिल रहा है। तो 385-390 के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक बार का स्टॉक अटक सकता है।
और वहां पे एक बार कंफर्म प्रॉफिट बुक भी जरूर करना चाहिए। तो इसलिए मेरी तकनीकी तौर पर यही रहा है 390 से 400 के बीच में एक बार का अपना प्रॉफिट बुक करें। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं तो 340 या 335 के नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉपर्स जरूर लगा के रखें। ये स्टॉक डेफिनेटली टेक्निकली पॉजिटिव है तो 15 से 20 रुपए का मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जी चलिए, तो ये सलाह आपके लिए वेदांता के ऊपर निकल करके आती हुई नवनीत वार्ष्णेय जी कह रहे हैं, नमस्कार सर, आपका प्रोग्राम बहुत ही शानदार है, शुक्रिया आपका। नवनीत जी कह रहे हैं अभी किस स्टॉक में खरीद सकते हैं ये आपको हम बताएंगे, थोड़ा आखिरी तक कार्यक्रम देखिए, चुन चुन के का हमारा सेगमेंट होता है आखिर में, और उसमें जो है हम बताएंगे आपको कहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, कौन से शेयर जो है अरुण जी के फेवरेट हैं। अमर सिंह जी का सवाल आया है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, नमस्कार आपको भी, कह रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, आपका शो में काफ़ी टाइम से रेगुलर देख रहा हूँ, देखकर बहुत मोटिवेशन मिलती है, शुक्रिया आपका भी, आप लोगों के जो अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, टिप्पणियाँ होती हैं, उससे बड़ी ऊर्जा मिलती है सर। मिंधानी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, मिंधानी के, और 35 शेयर हैं 458 रुपये के भाव पर, कह रहे हैं कि क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर मुझे निकल जाना चाहिए। अभी अगर हम देखें मिंधानी पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो आज 3.5% से ज़्यादा की मजबूती, 432-433 का स्तर यहाँ पर फिलहाल बना हुआ है, और ये इन्होंने जो लिया हुआ है वो 458 पे है, तो इनको अभी फिलहाल थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर होता हुआ। मेटल सेक्टर में शानदार रैली देखने को मिल रही है और उसी का परिणाम आज शेयर पर भी देखने को मिल रहा है 3.5% ऊपर। आप क्या सलाह देंगे, अभी क्या करना चाहिए मिश्रा धातु निगम पे? पीपल जी डेफिनेटली होल्ड करने की राय है, अगर आप एवरेज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है मिधानी धीरे धीरे आपको 480-500 तक जाता हुआ नजर आएगा। ये स्टॉक थोड़ा पोजिशनल व्यू रखें, 1 से 2 महीने का व्यू जरूर रखें स्टॉक में। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक आप कह सकते हैं जो पैटर्न टेक्निकली है वो धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है और वहां से ब्रेकआउट आने के चांसेस काफी ज्यादा है, जिसका टारगेट 480-500 के आसपास आ रहा है। तो अगर आपका व्यू थोड़ा 1 से 2 महीने है, थोड़ा लंबा रखते हैं ना कि 1 से 2 हफ्ते, तो 500 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है मिदानी में देखने को मिल सकते हैं। 420-410 के पास मिलता है तो और ऐड करके भी चले, मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छा कर सकता है, तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें, 480-500 का ऊपर में टारगेट रहेगा। जी तो ये सलाह फिलहाल निकल करके आती हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। कौशल जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, किशोर माफ कीजिएगा, किशोर जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर और अरुण सर, दोनों को नमस्कार। नमस्कार किशोर जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, मैं बिहार के नवादा जिले से बोल रहा हूँ और आपका प्रोग्राम सर देखने के बाद काफी हेल्प मिल रही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम नियमित रूप से देख रहे हैं और आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो धन्यवाद इसके लिए। बिल्कुल सर, और बहुत हेल्प मिल रही है सर इससे। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या प्रश्न है सर आज आपका, आज क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा प्रश्न था टेक्समैको रेल को लेकर के। जी सर, टेक्समैको रेल में मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आखिर किस प्राइस पे आके इन्वेस्ट करूँ सर, और थोड़ा नीचे गिरेगा इसी लेवल पे थोड़ा इन्वेस्ट करूँ? कितना समय का नजरिया क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर मैं 6 महीने का नजरिया लेके चल रहा हूँ, ऐसे 8 महीना भी हो तो कोई दिक्कत ना हो। चलिए 6-8 महीने के नजरिए के लिहाज से टेक्समैको रेल में ये पैसा लगाना चाह रहे हैं। आज 1% के आसपास की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 2% के आसपास का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सर करंट लेवल पे चूंकि सरकारी कंपनी है, रेलवे शेयरों में काफ़ी शानदार मूव हम देख चुके हैं, पिछले एक साल में 272% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर रही है, क्या अभी लगाएं, थोड़ा और करेक्ट हो जाने दें तब लगाएं, क्योंकि बाजार के अंदर थोड़ा सा एक संशय का माहौल है, तो क्या इनके लिए सलाह रहेगी आपकी? 160-165 ये एक अच्छा जोन है, अगर इनको थोड़ा लंबा नजरिया रखे रखते अगर बाई करते हैं तो डिप पे बाई करें, 165 तक मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक आएगा, तो 165-160 के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली एंट्री करने चाहिए। रेलवे स्टॉक्स अच्छे करेंगे डेफिनेटली, ये थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का रेलवे स्टॉक्स है, पर मुझे लग रहा है डिप में बाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 170 के आसपास चल रहा है, 4 से 5 रुपए गिरता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं, वहां से इनका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहेगा और अच्छे मूविंग एवरेज के पास इनकी बाइंग होगी, तो 160-165 इसके बीच में स्टॉक को बाय करना चाहिए। 160-165 के आसपास जो है आप एंट्री कर सकते हैं, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। और हमारे साथ अगले जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने सवाल भेजा है वो किंग फैशन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनका प्रश्न एक और पावर कंपनी पर है, वो है टाटा पावर, ये कह रहे हैं 331 में लिया हुआ है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? पावर क्षेत्र सर जिस तरीके से गर्मी बढ़ने की आशंका बताई गई है उसमें निश्चित रूप से तमाम जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन वो भी तभी चलेंगी अगर पावर की सप्लाई ठीक रहेगी,
और पावर को लेकर के अगर गर्मी बढ़ती है तो क्या आपका कंजम्पशन को लेकर के क्या व्यू है, और ख़ासतौर से टाटा पावर निजी क्षेत्र की कंपनी है, अभी इन्होंने 331 पे लिया हुआ है और जो भाव अभी देखने को मिल रहा है वो 434 का है, 100 रुपये से ऊपर का पर शेयर इनको मुनाफा ऑलरेडी हो रहा है, क्या मुनाफा बुक करना चाहिए या अभी बने रहें? विपुल जी अगेन सेम यू रिपीट करूंगा, पावर स्टॉक्स अप्रैल में आपको सेल नहीं करना है, अप्रैल के एंड मंथ के एंड में आसपास जो भी प्राइस रहे आपको एक बार का एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक बार की प्राइसिंग एकदम पूरी समर सीजन की जो ओवरऑल व्यू बना है वो डेफिनेटली प्राइसिंग हो जाएगी, तो 450 के आसपास मुझे लग रहा है वहां पे एग्जिट कर सकते हैं, अगर वहां पे आता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे, एक बार का प्रॉफिट बुक करें, काफी नीचे के लेवल से विपुल जी हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, 350-380 अभी भी स्टॉक 430 के पास है, तो इनको करंट लेवल पे होल्ड करने की राय रहेगी, 390 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, अप्रैल मंथ की बात करें तो 450 वहां पे आता तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते जी। चलिए इस बीच जो है वितु राय जी का सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं कि विपुल सर रवि सर को नमस्कार, नमस्कार आपको भी सर, वितु जी कह रहे हैं 5 दिन से सवाल कर रहा हूं लेकिन सब जवाब नहीं मिल रहा, चलिए अब जवाब आपको मिल जाएगा सर, नेस्ले इंडिया के 40 शेयर हैं इनके पास, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, वितु राय जी जब इतना लिख दिया आपने तो एक बार भाव भी बता देते किस भाव पर लिए हुए हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता, चलिए आपको हम फिलहाल सलाह तो अवश्य जो है दिलवाते हैं, और अभी अगर हम देखें तो नेस्ले का जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है करीब करीब 0.5% ऊपर, 2516 का भाव है सर, और अगर हम इस शेयर की बात करें तो पिछले 1 साल में करीब 27-28% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, तो उम्मीद करते हैं इनको भी 15-20% के मुनाफे पे होने चाहिए, अगर 1 साल पहले लिए होंगे तो, भाव हमें नहीं पता है किस भाव पे लिए हैं, क्या सलाह रहेगी अभी नेस्ले इंडिया को लेकर के, और ख़ास तौर से तब जब हम देख रहे हैं जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि रूरल डिमांड में कहा जा रहा है कि 4th तिमाही के जो नतीजे होंगे या आने वाली तिमाही में वहाँ पे जो है रूरल डिमांड थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। विपुल जी नेस्ले काफी आकर्षक लेवल के आसपास है, 2400 से 2500 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे लग रहा है उसी के आसपास ये अभी भी चल रहा है, 2510 के आसपास है, तो डेफिनेटली बाई करने की भी सलाह रहेगी, अगर आपके नीचे की बाइंग है तो भी होल्ड करें, अगर नीचे मिलता है तो ऐड करने की सलाह रहेगी, यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे आपको 2800-2850 तक जाता हुआ नजर आएगा, एक जो इनका मैगी का कंसर्न था वो भी थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है, गवर्नमेंट की जो प्ले थी जो याचिका थी वो अभी खारिज हो चुकी है और मैगी के रिलेटेड भी कोई नई कॉन्ट्रोवर्सी अभी नजर नहीं आ रही, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल एक आप कह सकते हैं ओवरहाई खत्म हो चुका है, 2800 तक मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा मीडियम टर्म में जा सकता है, तो अगर और ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं, 2450-2500 के बीच में मिलता है तो ऐड करें, 2800 तक का मेरा पोजिशनल टारगेट है तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह जो है आपको फिलहाल दी जा रही है, निश्चित रूप से तमाम जो विवाद थे उससे निकलती हुई कंपनी दिखाई दे रही है, इसलिए जो है सलाह आपको दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा पूजा जी से बातचीत कर लेते हैं, पूजा जी नासिक से हैं, पूजा जी को नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? हम बहुत अच्छे हैं पूजा जी, आप कैसी हैं? एकदम फाइन सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा नंबर लग गया। अरे मैम कैसी बात कर रही हैं, आपका कार्यक्रम है और आप जब भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकती हैं, और आपकी राय मुझे बहुत हेल्प करती है सर, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अरे थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आप लोगों दर्शकों का प्यार ही है कि हम लोग और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं कि कितना बेहतर कर सकें, और जहाँ से आप हैं नासिक है सर, ये शो एक नंबर होगा सर, दुनिया में वर्ल्ड में एक नंबर हो सकता है। अरे पूजा जी आपके मुँह में घी शक्कर, बहुत बहुत शुक्रिया इन दुआओं के लिए, इस प्यार के लिए, और जहाँ से आप हैं नासिक वो बड़ा खूबसूरत शहर है, मेरा 1-2 बार ही जाना हुआ है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। प्लीज आप भी आइए सर यहाँ पे। नहीं नहीं बिल्कुल मैम बिल्कुल, जब भी आएंगे तो आपसे मुलाकात अवश्य करेंगे, और बताइए आज कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा सवाल अपोलो पे, अपोलो माइक्रो सिस्टम एक्चुअली ये सवाल मैंने जो किया था अरुण सर जी ने रिसीव किया था वो एक्चुअली सवाल, तो उन्होंने मुझे राय भी दी थी, अच्छी अच्छी राय थी, ओके 120 और 130 में मुझे एग्जिट कर रहा है, लेकिन सर वो शेयर अब तक 120 तक भी नहीं आ रहा है सर वो। चलिए अच्छी बात है कि आपने जो है स्पष्ट बात बताई, अब शेयर ऊपर जा नहीं रहा है, अरुण सर ने कहा था 120 तक पे निकल जाइएगा, 120-130 पे अभी नुकसान में है, 20 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, 0.25% के आसपास की गिरावट है, पिछले 5 दिन में करीब 5% करेक्ट हुआ है, पिछले 1 महीने में अगर हम देखें तो भी यहाँ पे निगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला है सर, अच्छी शानदार रैली के बाद से अब दबाव में है शेयर, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया जब कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, क्या सलाह रहेगी, कहाँ पर निकलें पूजा जी?
देखिए विपुल जी, एग्जैक्टली थोड़ा बहुत मुझे याद है 98 से 100 के आसपास शायद इन्होंने पूछा था, और उसी के आसपास से स्टॉक में 117 118 तक का हाई बना था, तो वहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अगेन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बाउंस वापस आ सकता है, 115 120 तक वापस आपको देखने को मिल सकता है, तो उसी के बीच में आप एग्जिट कर दे। मेरी स्टॉक पे पॉजिटिव राय नहीं है क्योंकि ओवरऑल चार्ट नेगेटिव है और अपर सर्किट लोअर सर्किट डेली आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर 120 भी ना आए, 115 120 के बीच के बीच में मिलता है तो आप एक बार एग्जिट कर दे। ओवरऑल चार्ट नेगेटिव है, मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी, तो अभी भी 110 के आसपास है, हो सकता है 5 से 10 रुपए का मोमेंटम और आपको देखने को मिले, तो उसी के बीच में बेटर है आप एग्जिट कर ले और किसी दूसरे स्टॉक में स्विच हो जाए। मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा पैसा आपको स्टॉक में बनता हुआ नजर। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए पूजा जी निकल करके आ रही है, उम्मीद करते हैं कि आप संतुष्ट होंगे इस उत्तर से। और इस बीच आपको बता दें करीब करीब 600-650 से ज्यादा दर्शक इस समय हमें खाली यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है हमारे शो के लिंक को जो है वो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें और सही सलाह जो है लोगों तक पहुंच सके, जो तमाम टेलीग्राम के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकार कई सारे जानकार जो है जो गलत सलाह दे रहे हैं उससे लोग दूर रहें, सुरक्षित रहें, अपना जो पैसे हैं उसको ना खोएं, यही हमारी कोशिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दीप्ति भारद्वाज जी का प्रश्न ले लेते हैं। करें विपुल सर और अरुण सर को मेरा राधे राधे, राधे राधे आपको भी दीप्ति भारद्वाज जी। करें अरुण सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके कहने पर मैंने गेल के 87 शेयर लिए हुए हैं 182.55 रुपये के भाव पर। कब तक रुकना रहेगा, एग्जिट करें कब, एक ईयर भी रुक सकती हूँ? तो ये जो है इनका प्रश्न है दीप्ति भारद्वाज जी का, और आपकी प्रशंसक हैं आप, उनको बहुत अच्छे लगते हैं, गेल आपके कहने पर उन्होंने लिया हुआ है, कहाँ पे इनको एग्जिट करना चाहिए ये जानना चाह रही हैं। क्या सलाह रहेगी सर, एक साल तक होल्ड कर सकती हैं? अभी 204 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इनकी जो खरीद है वो 182 की है, अच्छे मुनाफे में है। देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है स्टॉक 240-245 तक जा सकता है, पर एक छोटा करेक्शन डेफिनेटली ड्यू है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा स्टॉक में थोड़े बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो 198-200 तक वापस डेफिनेटली आ सकता है, तो इनको होल्ड करना चाहिए स्टॉक 235-240 तक। मुझे लग रहा है पोजिशनली नेक्स्ट 2 या 3 महीने में इनको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो 240 के आसपास आता है तो वहां पे डेफिनेटली एग्जिट करें, क्योंकि इनकी बाइंग 180-182 के पास है, तो ये अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के आसपास खड़े हैं, तो 230-240 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करके ये निकल सकते हैं। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सलाह पसंद आई होगी। इस बीच अनवर शेख साहब का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, नमस्कार आपको भी अनवर साहब, और कह रहे हैं एंजल वन में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, और अब बाकी दूसरा सवाल बाद में ले लेंगे सर। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं एंजल वन के अंदर सर, एंजल वन में बीच में अच्छी रैली देखने को मिली थी, इसलिए मुझे लगता है काफ़ी लोग थोड़ा सा आकर्षित हो रहे हैं। आज भी 2.5% ऊपर है, 2920 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 9% का रिटर्न, 6 महीने में करीब 40% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या सलाह रहेगी सर आपके लिए, अनवर शेख साहब के लिए? विपुल जी, स्टॉक एक बड़े उछाल के बाद वापस करेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है, अगर कोई ट्रेडिंग के लिए लेना चाहता है तो वापस एक रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, तो ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में पहले तो बॉटम नहीं बन रहा था, बॉटम बनने के बाद वापस रिट्रेसमेंट बना है, तो यहाँ पे एक ट्रेड जरूर बनता है। 2850 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चल सकते हैं, 3050-3080 ट्रेडिंग टारगेट्स रहेंगे। एक ही चीज का ध्यान रखना है, इनकी अपडेट्स बीच में अच्छे आए थे, इस वजह से स्टॉक में आपको मोमेंटम भी अच्छा देखने को मिला, तो ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। 2850 का स्टॉप लॉस लगाए, 3020-3050 के इमीडिएट टारगेट। ठीक, इस बीच किंग फैशन जी कह रहे हैं विपुल सर थैंक यू सो मच, आपकी बात ही जुदा है, आप बहुत हेल्प करते हैं सबका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका नाम तो नहीं पता है, पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टिप्पणी के लिए, और कोशिश यही रहती है सर कि सबके सवाल हो जाएं, लेकिन समय की थोड़ी कमी रहती है, इस वजह से सबके सवाल नहीं हो पाते हैं कई बार। एटी शेख साहब कह रहे हैं वेदांता के ऊपर इनका सवाल है सर, वेदांता पे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की, आप साथ थोड़ा देर से जुड़े हैं, तो आप पूरा कार्यक्रम जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक बार देखेंगे तो आपको डिटेल में इस पर राय जो है वो मिल जाएगी। अगला प्रश्न आया है कांति नगर जी की तरफ से, कह रहे हैं हेलो सर, जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी सर। कह रहे हैं कि इनके दो सवाल हैं, एक तो है सर SGVN में ये एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये समझना चाह रहे हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी सर SGVN को लेकर के? और दूसरा इलेक्ट्रा ग्रीन पे बहुत सारे सवाल हो गए हैं, तो मैं चाहूँगा इलेक्ट्रा ग्रीन पे भी अगर आप उत्तर दे देंगे तो इनको, इनके साथ साथ बहुत सारे दर्शकों को प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 25 शेयर इन्होंने 1940 पे लिए हुए हैं, लेकिन पहले SGVN पे आपकी राय, क्या फ्रेश एंट्री लायक बनता है शेयर ये?
विपुल जी, डेफिनेटली ये स्टॉक फ्रेश एंट्री के आसपास ही खड़ा है, 130 32 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो डेफिनेटली इसको यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हैं। 128 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें, मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 145 148 ये दो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो क्लियरली बाय करने की सलाह है। 132 के आसपास चल रहा है, तो करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। 128 का स्टॉप लॉस लाके बाय करें और 148 का टारगेट रखें। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक अगेन विपुल जी, ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में जरूर रहा है और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 1800 के नीचे भी एक बार का फिसल सकता है, तो 1780 1800 आता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। करंट लेवल पे एंट्री की राय नहीं, और 50-60 रुपए गिरता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते जी। ओलेक्ट्रा ग्रीन पे जिन्होंने ले रखा है सर, जैसे कि अब ये अज्जू भाई भी हैं गोरखपुर से, कह रहे हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन 1946 पे लिया हुआ है, जिनके पास है वो क्या करें सर? देखिए विपुल, स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है इसलिए एग्जिट की राय नहीं है। अगर ये और थोड़ा बहुत एवरेजिंग करना चाहते हैं तो 1800 के आसपास कर सकते हैं। 1800 के पास एवरेज करेंगे तो इनका जो 100 डे 50 डे मूविंग एवरेज पे एवरेज आएगा तो वो काफी एक्टिव इफेक्टिव रहता है और वहां से एक उछाल देखने को मिल सकता है, इसलिए 1780 1800 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां पे एवरेज करके चल सकते हैं। अगर आपकी ऊपर की बाइंग है, फ्रेश खरीदारी किसी को करना है तो भी वही सेम लेवल रहेगी 1780 के 1800 के आसपास, तो इसलिए जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करके चले। 1780 1800 आता है तो एवरेज करके चले। फाइनल स्टॉप लॉस जो लगाना है विपुल जी, थोड़ा नीचे है, 1750 के आसपास है अगर आपको पोजिशनली स्टॉक को बाय करना है, 1750 का स्टॉप लॉस लगाए और 1800 से 1780 के बीच में मिलता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, नाम इन्होंने भी नहीं लिखा है लेकिन इन्होंने अपनी आईडी जो बनाई है सर, वो बड़ा मतलब क्या ही कहें, इन्होंने अपनी आईडी बनाई है बीजेपी चाटुकार के नाम से। तो ये इनका प्रश्न ये है कि इरकॉन का बता दीजिए बाबा, बेच दें या फिर अभी ये भागेगा। तो एक और रेलवे शेयर सर IRFC पे आपने बताया, अब ये अब इनका नाम नहीं बताया, तो बीजेपी चाटुकार के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। IRCTC पे जानना चाह रहे हैं कि अभी बेच दें या और ज़्यादा चलेगा। 1023 का भाव, माफ़ कीजिएगा, इरकॉन के ऊपर इनका प्रश्न था, मैंने IRCTC से बोल दिया, इरकॉन पे क्या अभी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, क्या क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, अगर इन्होंने बाई किया है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, फ्रेश बाई करना है तो 225 228 ये अच्छा रहेंगे, यहाँ पे भी बाई करके चल सकते हैं। एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, रेलवे स्टॉक्स में आपको डेली मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, एक या दो दिन मूवमेंट आता है, अगेन स्टॉक साइडवाइज होते हुए नजर आता है, इसलिए धीरे धीरे मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक एक मूवमेंट के बाद सपोर्ट के आसपास आ रहा है, 225 के पास मिलता है तो वहां पे बाई डेफिनेटली कर सकते हैं, तो इनको होल्ड करने की राय रहेगी। मुझे लग रहा है 245 250 तक के टारगेट्स इरकॉन में देखने को मिल सकते। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती है। और यहाँ पर टेक्निकल फुंसी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और इनका नाम राजकुमार है दिल्ली से, और ये भी सवाल इनका है इरकॉन के ही ऊपर। 594 के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 220 के भाव पे, करें अब मैं 1 साल से 2 साल होल्ड कर सकता हूँ? सर अभी इससे पहले ही बात हुई है तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी उत्तर मिल गया होगा। कई बार आप लोगों के नाम से हम सवाल नहीं लेते हैं लेकिन जिस पे हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं तो कम से कम उन शेयर्स पे डिस्कशन हो जाए, ये कोशिश हमारी अक्सर रहती है। रियाजत अली साहब का प्रश्न ले लेते हैं, और इनका प्रश्न है शांति गियर्स के बारे में। शांति गियर्स कह रहे हैं कि इन्होंने 546.50 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, और इनका जो है जानना ये चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या व्यू होना चाहिए और लॉन्ग टर्म में, दोनों ही जो है व्यू जानना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये अभी अगर हम देखें शांति गियर्स चल रहा है 4.25% ऊपर, शानदार रैली, 581-582 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 13-13.5% की रैली रही है, पिछले 6 महीने में करीब 32% चला है। अभी क्या करना चाहिए सर शांति गियर्स को लेकर के? रियाजत अली जी को 546 पे इन्होंने ले रखे हैं, 581 का भाव है, प्रॉफिट में है। विपुल जी, आज भी इसका हाई देखे तो 620 के आसपास है, काफी बड़ी तेजी के बाद एक डिप अगेन देखने को मिला है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट 620 630 के रहेंगे, वहां पे आता तो एक बार एग्जिट करें अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो। लॉन्ग टर्म में तो फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक एक बड़े ग्रुप से आता है और ओवरऑल फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है ये होल्ड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के टारगेट जरूर शेयर करूंगा, 620 640 इसके बीच में आता तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 560 के नीचे लगाए, मुझे लग रहा है 30-40 रुपए की मोमेंटम और स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ दर्शक जो जुड़ चुके हैं, त्रिलोचन साहू जी हमारे साथ हैं। त्रिलोचन जी नमस्कार। सर नमस्ते सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ त्रिलोचन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? उड़ीसा से? सर उड़ीसा भुवनेश्वर से बोल रहे हैं सर। भुवनेश्वर से? चलिए, बहुत अच्छी जगह से, बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं सर आप। और जो है बताइए सर, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको मरीन लाइन के, और भुवनेश्वर में लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं मरीन लाइन को? हाँ सर, मैं और मेरा दोस्त, पहले तो मैं
मुझे आपके जो चैनल के बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त ने रेकमेंड किया था। अच्छा, तो अच्छा। जब उसका रेकमेंडेशन मैंने आपका चैनल रखा, फिर बहुत अच्छा लग रहा है और रोज मैं देखता हूँ सर। अरे सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और नियमित रूप से देख रहे हैं। और आप भी, जैसे आपको आपके मित्र ने रिकमेंड किया है, आप भी अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए ताकि और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। बताइए सर, क्या सवाल है? जी सर, क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल है कि मैंने सर 103 रुपए के भाव में साधन पेट्रोकेम का सर लिया था, 200 शेयर लिया हूँ सर। अच्छा, शारदा जी, साधन पेट्रोकेमिकल। अच्छा अच्छा, साधन पेट्रो, ठीक है। किस भाव पे लिया आपने? 103 पे? हाँ सर, 103 पे 200 शेयर लिया है। अच्छा, तो अभी शेयर लेने के बाद वो गिरता ही जा रहा है, तो फिर अभी क्या करूँ? मैं फंस गया हूँ, मैं वहाँ से निकल जाऊँ या फिर होल्ड करूँ? चलिए, दो मिनट रुकिए, आपको उत्तर मिल जाता है। और साउदर्न पेट्रोल में निश्चित रूप से जो है दबाव देखने को मिल रहा है, 80 रुपये के आसपास आ गया है। हालांकि इस तरह में उस तरह की रैली देखने को नहीं मिली जिस तरह की रैली जो है बाकी शेयरों में देखने को मिली थी, खासतौर से जो मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली आई थी। और आपने थोड़ी सी चूक आपसे ये हुई कि आपने 103 पे लिया है, 6 फरवरी को 103 रुपए का ही, 103 रुपए 15 पैसे का इसने पीक बनाया था मेरे ख्याल से, और आपने वहीं बिल्कुल पीक पर जा करके ले लिया है, तो आपके लिए पेन थोड़ा इसलिए ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे। हमेशा कोशिश कीजिए कि एक बार जब शेयर लेना हो तो ये देख लें कि क्या अगर उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली आ चुकी है तो थोड़ा सा या तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए ताकि मतलब नुकसान कम हो। अभी के लिए क्या करना है वो हम पूछते हैं अरुण जी से। अरुण सर, क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल पीक के आसपास लिया है, फंस गए हैं, लगातार नीचे आ रहा है, अब परेशान हैं, 20-22 रुपए का नुकसान, 23 रुपए का इनको हो रहा है, आपकी क्या सलाह होगी? ऊपर जी 90 से 95 के आसपास ये स्टॉक आता हुआ नजर आ सकता है, 90-95 मुझे लग रहा है ये टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर ये थोड़ा पैसा और लगाना चाहते हैं, थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं, तो 83 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकले तो वहां पे एवरेजिंग करें, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट पे एवरेज करेंगे तो आपका स्टॉक के प्राइसेस एवरेजिंग प्राइस काफी नीचे आएगी और वापस आपका पैसा निकालने का जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। इसलिए जैसे ही स्टॉक 83 के ऊपर निकले तो वहां पे आप एवरेजिंग करें स्टॉक को, 94 से 95 के आसपास की आपकी एवरेजिंग हो सकती है। मुझे लग रहा है 95 के ऊपर स्टॉक इजीली नहीं निकलेगा, तो वहां पे एक थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जरूर नजर आ रहा है। टेक्निकली अभी भी पॉजिटिव है, टेक्निकली वीकनेस नहीं है, आज भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो 83 के ऊपर निकलता है तो एवरेज करें, 95 का टारगेट रहेगा। 92 से 95 के बीच में जब भी स्टॉक आए एक बार का पूरी पोजीशंस को अपने एग्जिट कर ले। मुझे लग रहा है स्टॉक अभी भी अच्छा है, इसलिए एक उछाल देखने को मिल सकता है, उस उछाल में डेफिनेटली एग्जिट करके चल सकता है। ठीक, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच संगीता जी का सवाल लेते हैं और कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, और क्या ये जानना चाह रही हैं क्या देवयानी इंटरनेशनल में छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका, कि क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए? अभी अगर हम देखें तो देवयानी इंटरनेशनल का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 165 रुपए के आसपास चल रहा है, आधे फीसद के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 7-7.5% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में इनको प्रयास करना चाहिए निवेश के लिए? बिल्कुल जी, डेफिनेटली कर सकते हैं। स्टॉक अपने ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट नजर आ रहा है, 164-165 के आसपास चल रहा है, तो डिप पे जरूर बाई करें। 165 के आसपास भी कर सकते हैं, 163-164 आप तो और ऐड भी करें, 160 के स्टॉप से बाई करें, क्योंकि प्योरली इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, इसे टेक्निकली अभी भी बुलिश मुझे नजर आ रहा है, तो एक बाउंस डेफिनेटली डू है। 178-180 तक ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखना है, चूंकि ये मिड कैप स्टॉक है तो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, 160 के स्टॉप लॉस से बाई करें, 178-180 का ऊपर में टारगेट। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई। रश्मिता पटनायक जी का सवाल ले लेते हैं, और ये भी भुवनेश्वर से ही है, तो आज ओडिशा से हमारे दर्शक बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, तो आप सभी ओडिशा वासियों को, भुवनेश्वर वासियों को नमस्कार है मेरा। लेमन ट्री होटल के प्रश्न के ऊपर हम आपका सवाल ले रहे हैं मैम, बाकी सवाल जो है अभी छोड़ दे रहे हैं। लेमन ट्री होटल पे इन्होंने 200 शेयर ले रखे हैं 139 रुपए के भाव पर। हमने देखा कि जिस तरीके से अभी आईपीएल चल रहा है और हाल फिलहाल में बहुत सारे इवेंट हुए हैं, तो होटल इंडस्ट्री में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। अभी 139 के आसपास चल रहा है और उसी के भाव पर जो है इन्होंने खरीदे हुए हैं, 139 पे लिया हुआ है, 139-70 ये मौजूदा भाव अभी देखने को मिल रहा है। अभी क्या लग रहा है आपको सर, अभी और चलेगा लेमन ट्री में, क्या इनको बने रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ब्रेक इवन पे है? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, 135 के स्टॉक के साथ होल्ड करें। मुझे लग रहा है 145 तक ये स्टॉक आपको इजीली जाता हुआ नजर आएगा, 145-148 तक के टारगेट्स
जरूर देखने को मिल सकते हैं। आज भी 1.5% ऊपर है, नो डाउट स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, तो 135 के स्टॉप लॉस आप होल्ड करें, इनके कॉस्ट के प्राइस के आसपास ही है, तो थोड़ा रिस्क ले, 135 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 148 तक मुझे लगा है धीरे धीरे स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल होटल स्टॉक्स थोड़े साइडवेज नजर आ रहे हैं, पर आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है इसमें भी बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये सलाह निकल करके आती हुई, और इस बीच आगे बढ़ते हैं, और नीतू जी कह रही हैं, नीतू त्यागी जी, कि विपुल सर प्लीज़ मेरा सवाल आज ले लीजिए। बिल्कुल ले लेते हैं मैम, और आपका सवाल है कि कैप्टन पाइप के 1000 शेयर ले रखे हैं 22 रुपये के भाव पर, जानना चाहती हैं कि इसको होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। अभी अगर कैप्टन पाइप पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भाव देखने को मिल रहा है कैप्टन पाइप में, वो देखने को अगर हम नज़र डालें शेयर पर कैप्टन पाइप के, तो जो भाव यहाँ पर बना हुआ है अभी फ़िलहाल 16 रुपये के आसपास चल रहा है, 22 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है सर, काफ़ी नुकसान में है, और क्या सलाह रहेगी आपकी कैप्टन पाइप को लेकर के? देखिए विपुल जी, मेरे ख्याल से ये स्टॉक BSE में लिस्टेड है और 16 रुपए के आसपास चल रहा है, तो वैसे तो कोई ट्रैकिंग नहीं है स्टॉक के लिए, इसलिए कोई बड़ी सलाह नहीं दे पाऊंगा, पर इसका जो सपोर्ट है जो कि नजर आ रहा है मुझे, वो ऑलमोस्ट 14 रुपए के आसपास है, तो एग्जैक्ट इनकी बाय प्राइस तो मैं सुन नहीं पाया, पर इनकी इनकी अगर पोजिशन ट्रेडिंग के लिए ले लिया है तो 22 रुपए पे, 22 के आसपास लिया, तो 14 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही डेली ट्रैकिंग में नहीं है, तो एक क्लियर डिस्क्लेमर है कि डेली ये हम ट्रैक जरूर नहीं करते, पर चूंकि ये स्टॉक BSE में लिस्टेड है, वॉल्यूम्स भी काफी अनइवन है, तो 14 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी आपको स्टॉक पर देखने को मिल सकती। ठीक, बहुत लोगों के सवाल हैं, और GB मैथ क्लासेस कर रहे हैं, आई एम ए स्टूडेंट एंड आई लव योर शो सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करें 20,000 रुपये निवेश करना चाह रहा हूँ, बेस्ट स्टॉक कौन सा होगा लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कार्यक्रम अंत होने दीजिए, आखिर में चुन चुन के सेगमेंट में आपको हम अवश्य बताएंगे, तो कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिए सर। और भी बहुत सारे दर्शक हैं, सबिया आनंद जी का सवाल है, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बजिंग स्टॉक्स पर जाएँ उससे पहले एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि कई सारे सवाल हमारे पास आते हैं और ये हर बार आपसे हम पूछते ही हैं, तो आज हमने चर्चा नहीं की, 2-3 शेयरों पर जिस पर हम बातचीत नहीं कर पाए हैं, एक तो सुजलॉन, एक है इरेडा, इस पर इसको लेकर के क्या अभी करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं पेंडिंग, सबके नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन सुजलॉन और इरेडा पे आप की राय जाना चाहेंगे, NHPC पे हम बात कर चुके हैं, पावर शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। जी सुजलॉन जिनके पास है उनका स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है, 38 से 39 के आसपास का सपोर्ट है, स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड हो चुका है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टेक्निकली अच्छा लग रहा है, क्योंकि टेक्निकली आप कह सकते हैं एक अप ट्रेंड में है, यूजुअली स्टॉक हम रिकमेंड नहीं करते ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए, क्योंकि ज्यादा ट्रेडर फैंसी स्टॉक है और रिटेल की ज्यादा होल्डिंग इसमें नजर आती है, तो 38 से 39 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है जिनके पास भी है। उछाल 46 से 47 के आसपास मिल सकता है, अगर ओवरऑल मिड कैप में अभी भी तेजी जारी रहती है तो 47-48 तक स्टॉक जा सकता है, तो वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे और वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक भी जरूर करना चाहिए। और जहां तक इरेडा की बात है, इरेडा का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, 3 दिन से जरूर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे 174-178 तक जा सकता है, तो जिनके पास भी है पुरानी होल्डिंग है उनको 160 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाके होल्ड करें, 178 तक के ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। टेक्निकली अगर दोनों में कंपेयर करें तो इरेडा बेटर है, और वहां पे डिप आता है तो बाय भी करके चल सकते हैं, 160 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें।